तो भाई हो, आज का जो वीडियो का टाइटल है एंड थंबनेल है वो देख के तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सो किस टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम अपना जो कबूतर है उसको थोड़ा कलर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का मौसम देख सकते हो, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और उधर पे अपना कबूतर है और अपना दोस्त बैठा है, ठीक है। सोचे थे भाई वीडियो बनाएंगे बट बारिश कितना ज्यादा हो रहा है अभी देख सकते हो, पूरा तो भीग ही चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी कलर करना स्टार्ट करते हैं और एंड आप लोगों को दिखा देंगे कैसे हम कलर करते हैं। तो भाई अभी आ चुके हैं अपने छत पर और अभी अपने दोनों कबूतरों को मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरा रेड बर्ड कबूतर है, इसने दो फिर से अंडे रखे। इसका जो पिछला वाला जो दो अंडा था वो ख़राब हो चुका था तो फिर से इसने नए अंडे रख दिया है और ये शायद से नर होगा या मादी, मुझे पता नहीं भाई। तो इन लोगों को अभी बाहर निकालते हैं, देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो अभी इस कबूतर को भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये देख सकते हो हमारा बुलबुल और तब से चीखे मार रहा है, ठीक है। इसको भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, तो अभी इसको फीड करवा देते हैं थोड़ा सा। तो अभी अपन इसको बॉयल चावल ही फीड करवा रहे हैं और देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है मेरा हाथ। तो इस बुलबुल को भी मैं कुछ दिनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसका वीडियो भी बहुत जल्द तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी इसको इस पर बैठा देते हैं और अभी अपने कबूतर को भी दाना डाल देते हैं, ठीक है। तो इधर पे बचा कुचा कल का जो दाना था वो इधर पे हाथ से वो खा रहा है, तो अभी इसको दाना डाल देते हैं। तो भाई अपना कबूतर कलर करने के बाद अभी कुछ ऐसा लग रहा है, देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी प्रॉपर तरीके से ये सूखा नहीं है, ठीक है। सो अभी इसको छोड़ देते हैं। सो भाई इस कबूतर को मैं जिस दिन लाया था ये बहुत ज़्यादा शरीफ था और अभी देख सकते हो बाकी कबूतरों से ये लड़ रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा घमंडी हो चुका है। तो देख सकते हो अपना रेड बर्ड कबूतर फिर से जाके अपने अंडों पर बैठ चुका है। तो आई होप ये जल्दी अंडे में से बच्चे निकाले एंड आपको बहुत जल्दी कबूतर ट्रेनिंग वीडियो में प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। एंड अभी इसको बंद कर देते हैं एंड चलते। तो अभी कुछ बज रहे शाम के 4:30 और अभी अपने कबूतर को खोल देते हैं, दाना पानी करवाते हैं। तो अपने दूसरे कबूतर को भी बाहर निकालते हैं। तो कलर सूखने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, देख सकते हो भाग गया। तो अभी अपने कबूतरों को दाना दे देते हैं।
तो भाई अभी घर से निकल चुके एक छोटी सी राइड लेने के लिए। छोटी सी जिंदगी है, हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नेचर का फील लेने के लिए छोटी सी राइड करते हैं डेली। सो बातें करते करते घर की तरफ पहुंच चुका हूँ। सो इस वीडियो को अभी इधर पे ही एंड कर देते। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।